हेलो बच्चों, आज के हिंदी के इस वीडियो में हम हिंदी बाराखड़ी लिखना और पढ़ना सीखेंगे और बाराखड़ी किस प्रकार से बनती है यह भी सीखेंगे। बाराखड़ी लिखने के लिए हमें स्वर की मात्राओं को व्यंजन के अक्षरों में यूज करना या प्रयोग करना होता है, इस प्रकार से हमारी बाराखड़ी बनती है। और बाराखड़ी लिखने के लिए हमें सबसे पहले स्वरों का ज्ञान होना जरूरी है और उसकी मात्राओं का ज्ञान होना जरूरी है। आओ शुरू करते हैं स्वर से। एक बार स्वरों को पढ़ते हैं। आ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह। अब इसकी मात्राओं को देखेंगे। आ की कोई मात्रा नहीं होती। आप चलते हैं बड़ा की मात्रा पर। बड़ा की मात्रा यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर ये डॉट डॉट करके जो गोला लगाया गया है इसको हम अक्षर एक तरह से मान के चलते हैं। और इसके बाद ये बड़ा की मात्रा लगी हुई है, इससे यह समझ में आता है कि जो बड़ा अ की मात्रा है वह अक्षर के आगे की तरफ लगती है एक डंडे के रूप में। अब चलते हैं छोटी की मात्रा पर। यहां पर भी डॉट डॉट करके अक्षर के रूप में लिखा गया है, डॉट बनाया गया, डॉट के रूप में अक्षर को बनाया गया है। और इसके पहले क्या किया गया है, छोटी ई की मात्रा को लगाया गया है, एक लाइन किया गया है खड़ी लाइन, और उसके ऊपर टोपी स्टार्ट करके आगे की तरफ चलते हैं, यानी कि बाएं तरफ से स्टार्ट करके दाहिनी ओर जाते हुए स्टॉप को ले जाते हैं। अब अगले अक्षर पर देखते हैं ई की मात्रा को, बड़ी ई की मात्रा को किस प्रकार से लिखते हैं। ये डॉट डॉट करके जो गोला बनाया गया है उसके आगे की तरफ बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक खड़ी लाइन करेंगे और उसके ऊपर टोपी लगाते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। कहने का मतलब ये कि दाहिने तरफ से टोपी को स्टार्ट करेंगे और बाएं तरफ खींचते हुए जाएंगे। अब चलते हैं छोटा ऊ की मात्रा पर। यहाँ भी अक्षर के रूप में इस डॉट को देख रहे हैं। डॉट के नीचे क्या किया गया है, इस मात्रा को एक छोटे गोले के रूप में लगा करके और इसी से लाइन करते हुए ऊपर की तरफ जाते हुए इस छोटा ऊ की मात्रा को बनाते हैं। अगला अक्षर है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ की मात्रा को हम किस प्रकार से लगाते हैं अक्षर में। यह मात्रा अक्षर के नीचे लगती है और इसमें क्या करते हैं, हम एक छोटा सा गोला करते हुए उसी को लाइन को आगे बढ़ाते हुए नीचे की तरफ आते हैं। आप चलते हैं री की मात्रा पर। री की मात्रा जो है अक्षर में नीचे की तरफ लगती है, इस प्रकार से इसको आधे गोले के रूप में बनाते हैं। आप फिर आगे चलते हैं ए की मात्रा। ए की मात्रा कैसे बनाते हैं, हम इसको डॉट को अक्षर के रूप में मानते हुए हम ए की मात्रा को क्या करते हैं, अक्षर के ऊपर लगाते हैं, एक पाई के रूप में ए की मात्रा को लगाते हैं। अब अगले अक्षर पर चलते हैं आय की मात्रा। आय की मात्रा में क्या करते हैं, हम डबल पाई लगाते हैं, जो क्या होती है अक्षर के ऊपर लगती है। अक्षर के ऊपर आय की मात्रा में डबल पाई लगाते हैं। फिर अगला अक्षर है ओ। ओ की मात्रा एक लाइन खड़ी रहती है और उसके ऊपर एक पाई लगाते हैं और यह मात्रा इस प्रकार से ओ की मात्रा होती है। अब चलते हैं औ की मात्रा पर। औ की मात्रा ये डॉट के आगे एक खड़ी लाइन और उसके ऊपर डबल पाई लगा करके लिखते हैं और यह बनता है औ की मात्रा। अब चलते हैं अन पर। अन की मात्रा, अन की मात्रा में क्या करते हैं, एक बिंदु करते हैं, किसी अक्षर के ऊपर एक बिंदु लगाते हैं और यह बनता है अन की मात्रा। अब आह की मात्रा देखते हैं। किसी अक्षर के
या डॉट डॉट करके जो अक्षर के रूप में लिखा गया है, बनाया गया डॉट के रूप में गोला बनाया गया है, इसके आगे हम क्या कर रहे हैं, डबल बिंदु कर रहे हैं, और ये किसकी मात्रा हुई, अहा की मात्रा। इस प्रकार से हमारी स्वर की मात्राएं हो गई। अब जब हमें स्वर का मात्राओं का ज्ञान हो गया है, अब इसके बाद हम शुरू करते हैं बारह खड़ी को। बारह खड़ी कैसे बनाएंगे, व्यंजन के अक्षरों में स्वर की मात्राओं को हम प्रयोग करके बारह खड़ी बनाएंगे। आओ शुरू करते हैं। ये व्यंजन से सीधे अक्षर ये ले रहे हैं। व्यंजन के अक्षरों में क्या होता है, आ की जो ध्वनि है, छोटा आ की जो ध्वनि है वो पाई जाती है व्यंजन के सभी अक्षरों में, चाहे का हो, चाहे खा हो, चाहे गा हो, चाहे घा हो। यानी कहने का मतलब ये, का से ज्ञा तक के जो भी अक्षर होते हैं उनमें सब में आ का जो स्वर है, आ की जो ध्वनि है, वो सभी अक्षरों में पाई जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर हम का को इस प्रकार से लिखते हैं, बिना मात्रा का इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क। अब चलते हैं का लिख करके उसमें बड़ा की मात्रा लगाएंगे, यह मात्रा अक्षर के आगे लगेगी और बनेगा का। फिर चलते हैं का पर छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, यह मात्रा अक्षर के पीछे से लगती है। कहाँ से लगती है, अक्षर के पीछे से लगती है, और ये बन गया की। अब फिर से हम अगला अक्षर लेते हैं क, और उसमें बड़ी ई की मात्रा को लगाते हैं। ये मात्रा, बड़ी ई की मात्रा जो है अक्षर के आगे से लगती है, ये बन गया हमारा अक्षर की। फिर का पर क्या करेंगे, ऊ की मात्रा को लगाएंगे। कौन सी मात्रा लगाएंगे, छोटा ऊ की मात्रा। यह मात्रा अक्षर के नीचे लगती है, जैसा कि अभी हमने बताया, ये डॉट जो अक्षर के रूप में लिखा गया था, इसमें बताया गया था कि ये जो डॉट के रूप में अक्षर बनाया गया, इसके ऊपर, इसके नीचे ऊ की मात्रा लिखा गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, का के नीचे छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे और बन जाएगा ये कु। अब चलते हैं अगले अक्षर का लेते हैं, और उसके नीचे क्या करते हैं, बड़ा ऊ की मात्रा लगाते हैं। बड़ा ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे लगती है, और इस प्रकार से ये बनेगा कु। अब आती हमारी री की मात्रा। री की मात्रा को हम बारह खड़ी में नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर री की मात्रा को हम बारह खड़ी में रखते हैं, री की मात्रा के हिसाब से बारह खड़ी में लिखते हैं कोई अक्षर, तो हमारा ये तेरह खड़ी बन जाता है, जो क्या है, बारह खड़ी का अपवाद हो जाता है। क्या करेंगे, री को हम बारह खड़ी से बाहर रखेंगे और अगले अक्षर पर चलते हैं। का पर एक ही मात्रा लगाएंगे, एक ही मात्रा अक्षर के ऊपर एक पाई के रूप में लगती है, और इसको बोलेंगे हम क्या, के। फिर से का लेते हैं, का पर आय की मात्रा लगाएंगे, आय की मात्रा अक्षर के ऊपर दो पाई के रूप में लगती है, और इसको हम पढ़ेंगे काए। फिर से का लेते हैं, का पर ओ की मात्रा लगाएंगे, यह मात्रा अक्षर के आगे एक लाइन और ऊपर एक पाई के रूप में लगती है, इसको बोलेंगे हम को। फिर अगला अक्षर क, का पर औ की मात्रा अक्षर के आगे एक खड़ी लाइन और उसके ऊपर डबल पाई करते हैं, इस तरह से ही बन गया काओ। अब अगला अक्षर क, का पर क्या करेंगे हम, एक बिंदु ऊपर लगाएंगे, और ये बिंदु क्या है, अन्न की मात्रा है। अन्न की मात्रा अक्षर के ऊपर लगती है, और इस प्रकार से का पर हम ये बिंदु लगा करके लिख दिए, और ये बन गया कन। इसके बाद का पर आहा की मात्रा लगाएंगे, आहा की मात्रा कहाँ पर लगती है, अक्षर के आगे लगती है। कहाँ पर लगती है बच्चों, अक्षर के आगे लगती है, और ये अक्षर क्या बन गया, कह। अब खा की लाइन पर चलते हैं। जिस प्रकार से हमने का को व्यंजन से सीधे उठा करके रखा है, और इसको हमने कहा था कि इसमें छोटा आ की जो ध्वनि आती है, उसी प्रकार से हम खा भी लिखते हैं, खा में भी हमारी छोटा आ की ध्वनि आएगी, और इसको हम क्या बोलेंगे, ख, बिना मात्रा का अक्षर ख। अब अगला अक्षर खा में
बड़ा आ की मात्रा लगाएंगे, यह मात्रा अक्षर के आगे लगती है और इस प्रकार से यह बनेगा खा। अब चलते हैं अगले अक्षर पर, खा में छोटी की मात्रा लगाएंगे, यह मात्रा अक्षर के पीछे से लगती है और इस प्रकार से बनेगा ये खी। अब खा पर बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, बड़ी ई की मात्रा अक्षर के आगे से लगती है, इस प्रकार से ये बना खी। फिर से खा लेंगे, खा पर छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे, यह मात्रा अक्षर के नीचे लगती है, इस प्रकार से बन गया खू। अब खा लिए, फिर से खा पर बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे, यह मात्रा भी अक्षर के नीचे लगती है और बने गया ये क्या बन जाएगा खू। फिर से खा लेते हैं, खा पर ए की मात्रा लगाते हैं, ए की मात्रा अक्षर के ऊपर लगती है एक पाई के रूप में, ये बनेगा खे। अब खा लेकर के इसमें ए की मात्रा लगाएंगे, ए की मात्रा किसी अक्षर के ऊपर डबल पाई के रूप में लगती है, ये बनेगा खाए। अगला अक्षर खा लेकर के ओ की मात्रा लगाएंगे, यह मात्रा अक्षर के आगे एक लाइन, खड़ी लाइन और उसकी उसी लाइन के ऊपर एक पाई लगाएंगे, ये बनेगा खो। खा पर औ की मात्रा लगाएंगे, औ की मात्रा कैसे लगती है, खा के आगे एक लाइन करेंगे खड़ी लाइन और उसके ऊपर डबल पाई करेंगे, ये बन गया खाओ। फिर खा पर अन की मात्रा लगाएंगे, जैसा कि का की लाइन में का पर अन की मात्रा हम ऊपर एक बिंदु लगाकर लगाए हैं, उसी प्रकार से खा में क्या करेंगे, हम खा के ऊपर भी एक बिंदु लगा करके लिखेंगे और ये बनेगा खन। अब खा पर क्या करेंगे, आहा की मात्रा लगाएंगे, आहा की मात्रा अक्षर के आगे दो बिंदु के रूप में लगती है और ये बन गया खा। इस प्रकार से हमारी का और खा की लाइन पूरी हो गई। अब चलते हैं अगले अक्षर गा पर, गा का भी पहला अक्षर बिना मात्रा का सीधे व्यंजन से उठाकर रखेंगे, इसको पढ़ेंगे ग। फिर अगला अक्षर गा पर बड़ा आ की मात्रा लगाएंगे, क्या बनेगा गा। फिर से गा पर छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, इस प्रकार से ये बनेगा गी। फिर से गा पर बड़ी की मात्रा लगाएंगे, गी। फिर से गा पर छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे, अक्षर के नीचे लगती है मात्रा, क्या बनेगा गू। अब गा पर बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे, ये भी मात्रा अक्षर के नीचे लगती है, बनेगा गू। गा पर एक ही मात्रा लगाएंगे एक पाई के रूप में, बनेगा गे। गा पर आय की मात्रा लगाएंगे अक्षर के ऊपर डबल पाई के रूप में, बनेगा गए। गा पर एक डंडा और एक पाई लगाएंगे, इस प्रकार से यह गो। गा पर औ की मात्रा लगाएंगे, बनेगा गौ। फिर से गा पर अन की मात्रा एक बिंदु के रूप में ऊपर लगाएंगे, बनेगा गन। और गा में आहा की मात्रा आगे दो बिंदु के रूप में लगाएंगे, बन जाएगा गह। अब चलते हैं घा पर, घा का अक्षर भी उसी प्रकार से जैसे ऊपर के तीनों अक्षर हम लिए हैं क ख ग, व्यंजन से सीधे ले लिए हैं, उसी प्रकार से यहां भी करेंगे घ बिना मात्रा का, क्या बोलेंगे घ। अब अगले अक्षर पर चलते हैं, घा पर बड़ा की मात्रा लगाएंगे, क्या बन जाएगा घा। घा पर छोटी की मात्रा लगाएंगे, क्या बन जाएगा घी। घा पर बड़ी की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा घी। घा पर छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे अक्षर के नीचे, इस प्रकार से बनेगा घू। घा पर बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे अक्षर के नीचे, ये बन जाएगा घू। अब घा पर एक ही मात्रा लगाएंगे अक्षर के ऊपर एक पाई, बनेगा घे। घा पर अ
आय की मात्रा डबल पाई के रूप में लगाएंगे, बनेगा घाए। घा पर ओ की मात्रा लगाएंगे, एक खड़ी लाइन और उसी के ऊपर एक पाई के रूप में लगाएंगे, ये बनेगा घो। अब घा पर क्या करेंगे, औ की मात्रा एक खड़ी लाइन और उसी के ऊपर डबल पाई करेंगे, ये बनेगा घाओ। घा पर ऊपर एक बिंदी करेंगे, बनेगा घन। और घा पर आगे दो बिंदी करेंगे, ये बनेगा घह। अब अगला अक्षर अंगा को नहीं लेते हैं, क्योंकि अंगा से कोई शब्द उस तरह से छोटे बच्चों के लिए नहीं बनते हैं, पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब अगला अक्षर क्या करेंगे, अगले अक्षर पर चलेंगे, चापर। ये भी उसी प्रकार से बिना मात्रा का च। चापर अगला अक्षर बड़ा की मात्रा चापर, चा। फिर से चापर छोटी की मात्रा लगाएंगे, बनेगा ची। फिर से चापर बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, बनेगा ची। फिर से चापर छोटा ओ की मात्रा लगाएंगे अक्षर के नीचे, बनेगा चू। चापर बड़ा ओ की मात्रा लगाएंगे अक्षर के नीचे, चू। चापर ए की मात्रा लगाएंगे, बनेगा चे। चापर आई की मात्रा डबल पाई के रूप में लगाएंगे, बनेगा चाय। चापर ओ की मात्रा एक खड़ी लाइन और एक पाई उसी लाइन के ऊपर लगाएंगे, बनेगा चो। चापर औ की मात्रा लगाएंगे, एक खड़ी लाइन और उसके ऊपर डबल पाई लगाएंगे, बनेगा चाओ। चापर एक बिंदु लगाएंगे ऊपर, चन। और चापर आगे दो बिंदु लगाएंगे, चह। अब अगला अक्षर आता है छ का, बिना मात्रा का अक्षर छ। फिर छ पर बड़ा की मात्रा लगाएंगे, आगे से एक खड़ी लाइन करेंगे, बन जाएगा छा। फिर से छ पर छोटी की मात्रा लगाएंगे, अक्षर के पीछे से ये मात्रा लगती है, बनेगा छी। फिर से अगला अक्षर छ में बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, ये मात्रा अक्षर के आगे से लगती है, बनेगा छी। फिर से छ पर छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे, बनेगा छू। छ पर बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे, बनेगा छू। फिर से छ पर ए की मात्रा लगाएंगे, बनेगा छे। छ पर आई की मात्रा लगाएंगे डबल पाई के रूप में, बनेगा छय। छ में ओ की मात्रा लगाएंगे, एक खड़ी लाइन और उसके ऊपर एक पाई, क्या बना, छो। छ पर औ की मात्रा लगाएंगे, छ पर औ की मात्रा एक खड़ी लाइन और डबल पाई, क्या बनेगा, छाओ। अब छ पर क्या करेंगे, ऊपर एक बिंदु करेंगे, क्या बनेगा, छन। छ पर आगे दो बिंदु करेंगे और बनेगा छह। इस प्रकार से यह 12 खड़ी की क ख ग घ च छ की लाइन पूरी हो गई। और नीचे एक लाइन अब आप लोग लिखेंगे, जिससे हमें मालूम हो पाएगा कि आप लोगों को 12 खड़ी का ज्ञान हो सका या नहीं। इस प्रकार से हमारी यह 12 खड़ी बहुत ही आसान तरीके से पूरी हो गई। हमने देखा कि स्वर की मात्राओं को व्यंजन के अक्षरों में इस प्रकार से लगा करके हम 12 खड़ी लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, जिससे हमें हिंदी पढ़ना आसान हो जाएगा। बच्चों एक बार फिर से हम स्वर का उच्चारण करेंगे और इसके बाद फिर 12 खड़ी जो हमने लिखा है अभी उसको भी एक बार सही उच्चारण के साथ बोलेंगे। आओ पहले स्वर को सही उच्चारण के साथ बोलते हैं।
अ आ ई ई उ उ री ए ऐ ओ आओ अन अह। अब 12 खड़ी पर चलेंगे। 12 खड़ी का सही से उच्चारण करते हुए बोलेंगे एक बार। को का की कु कु के कै को कौ कन कह। इस लाइन को बोलने के बाद हमें यह मालूम पड़ता है कि जिस प्रकार से हम आ ई स्वर के अक्षरों का जिस प्रकार से हम उच्चारण करते हैं, जिस प्रकार हम स्वर के अक्षरों का उच्चारण करते हैं, उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, 12 खड़ी में जो भी अक्षर उस मात्रा से संबंधित हैं उनका भी उच्चारण उसी प्रकार से करते हैं। जैसे हम आ को क्या बोलते हैं, अ क्या बोलते हैं, इस आ को क्या बोलते हैं, अ इसको क्या बोलते हैं, आ। उसी प्रकार से हम यहां पर क्या बोलते हैं, क का। इसको क्या बोलते हैं, ई ई। यहां पर क्या बोलते हैं, की। इसको क्या बोलते हैं, ऊ। इसको क्या बोलते हैं, ऊ। अब इसके बाद इनकी मात्राओं से बने जो 12 खड़ी के अक्षर उनको क्या बोलते हैं, कु कु। इसके बाद पढ़ते हैं ए। ए को हम जब का के अक्षर के साथ लगाकर बोलते हैं तो क्या निकलता है, के। आए अक्षर को देखते हैं, आए के हिसाब से कै में भी आवाज निकलती है, और बोलकर देखते हैं कै। इसी प्रकार से ओ की जो आवाज है वाक्को बोलने पर उसकी आवाज आती है को। फिर आओ, और जिस प्रकार से आओ में आवाज आती है उसी प्रकार से हम काओ को बोलते हैं, तो उसमें भी आओ का जो आवाज है, आओ की जो ध्वनि है वो सुनाई पड़ती है। फिर अन का में जब अन की मात्रा को बोलते हैं तो क्या आवाज आती है, कन। आप फिर अह, जिस प्रकार से अह को बोलते हैं उसी प्रकार से हम कहा जब बोलते हैं तो कहा में अह का जो आवाज है वो सुनाई पड़ती है। अब चलते हैं खा की लाइन पढ़ते हैं। ख खा खी खी खू खू। यहां पर भी हम देखते हैं जिस प्रकार से अभी हमने देखा कि आ जिस प्रकार से हम बोलते हैं उसी प्रकार से का को बोलने पर आवाज आती है, उसी प्रकार से आवाज निकलती है। उसी प्रकार से खा की लाइन पर भी खा को जब बोलते हैं तो खा में भी आ की आवाज आती है, और जब बोलते हैं आ को तेज आवाज में इसकी आवाज निकलती है। उसी प्रकार से खा को जब बोलते हैं तो खा में भी उसी प्रकार से तेज आवाज निकलती है। और इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जैसे हम स्वरों को उच्चारित करते हैं स्वर में जो आवाज आती है उसी प्रकार से 12 खड़ी के अक्षर जब हम बोलते हैं तो 12 खड़ी के अक्षरों के अंत में उसी मात्रा की ध्वनि सुनाई देती है। आओ इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं, खा की लाइन को। खा खी खू खू खे खै खो खाओ
खन ख। ग पर चलते हैं, ग गा गी गी गु गु गे गए गो गौ गन गह। अब घ पर चलते हैं, घ घा घी घी घू घू घे घए घो घौ घन घ। अब चा पर चलेंगे, च चा ची ची चू चू चे चय चो चौ चन चह। अब छ पर चलेंगे, छ छा छी छी छु छु छे छय छो छौ छन छह। इसी प्रकार से आगे की लाइन में व्यंजन के और अक्षरों की वारागढ़ी हम इसी प्रकार से स्वर की मात्राओं का प्रयोग करते हुए व्यंजन के अक्षरों में स्वर की मात्राओं का व्यंजन के अक्षरों में प्रयोग करते हुए हम वारागढ़ी आसानी से बना सकते हैं और इसको हम आसानी से पढ़ भी सकते हैं। जिस प्रकार से अभी हमने उच्चारण करके बताया है, सही उच्चारण के साथ इसी प्रकार से पढ़ेंगे और लिखेंगे।